इसको लाख से ज्यादा बढ़ा करके, मैं हल्का इंद्री की बात कर रहा हूं, जो मनोहर लाल जी को जो है हिंदुस्तान की पहली जीत दिलाने का काम करें, फर्स्ट नंबर की जीत। अगर आप मेरे पास से सहमत है तो मनोहर लाल जी को हाथ खड़े करके उनको स्वतंत्र है। धन्यवाद, धन्यवाद। तो आप सभी आए हैं, मैं दिल की गहराइयों से देखिएगा, गर्मी का मौसम है, सीजन चल रहा हार्वेस्टिंग का, आप आए हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और हमारे मुख्य परेशान हो गए, हम करें क्या, हम तो खुले रूप से मंचों पर जा रहे हैं, बातें अपनी बता रहे हैं, आधा काम हमने कर लिया है, वो तो मैदान में नहीं उतरे हमें, और उतरने के भी कोई बहुत बड़ा स्कोप लग भी नहीं रहा, कभी झगड़ा हो जाता, आज तो बता रहे कि इसलिए उनके जो अध्यक्ष है ना वो बीमार हो गए हैं, इसलिए आज घोषणा नहीं होगी, कोई बात ना, कभी कोई बात ना, खैर कोई बात नहीं, वो लोग आएंगे उल्टी सीधी बातें कहेंगे, उनको मित्रों आप लोगों ने सुनना भी है, लोकतंत्र में सुनना बहुत जरूरी है, हम ये नहीं चाहते कोई अपनी बात ना कह सके, वो सिर्फ ये लोग होते हैं जो कहते हैं हम तो जो है उनको अपनी बात कहने का मौका नहीं देंगे, हम तो विरोध करेंगे, है कुछ सिर्फ दो चार दस नेता ऐसे विरोध करने वाले के, हम नहीं सुनेंगे, हमारे नहीं देंगे, अरे भाई लोकतंत्र है, सबको अधिकार है आने का, बात कहने का, सोचने का, और बाद में अपने मत का प्रयोग करने का। जी सर, चुनाव प्रचार के लिए रणदीप सुरजेवाला की रोक लगा दी गई है कि चुनाव आयोग ने बोला है कि वो किसी भी तरह का चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, ना किसी चैनल को इंटरव्यू देंगे, क्योंकि उन्होंने पीछे हाल में जिस प्रकार से हेमा मालिनी का एक अभद्र भाषा के लिए उनके लिए प्रयोग किया था, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? चुनाव आयोग बहुत सतर्क है, ऐसी कोई भी गलत भाषा का इस्तेमाल इस प्रकार के डेमोक्रेटिक सिस्टम में वर्जित होता है। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ इस बात से कि चुनाव आयोग ने एक संज्ञान लिया, और इस संज्ञान लेने के बाद न केवल सुरजेवाला बल्कि और लोगों को भी नसीहत हो गई कि एक सीमा से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बिलो द बेल्ट किसी को हिट नहीं करना चाहिए, और जिस प्रकार से महिलाओं का अपमान, हेमा मालिनी जी के बारे में टिप्पणी की, बहुत अभद्र टिप्पणी थी, मैं उसकी निंदा पहले भी कर चुका हूँ, फिर से निंदा करता हूँ, और मैं चुनाव आयोग को इस बात पर धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया। जेजेपी ने 5 सीटों की घोषणा कर दिया सर लोकसभा चुनाव को, 5 और बाकी बची हैं, जल्दी करें तो अच्छा लगेगा। सर मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं रैपिड मेट्रो की बात हुई है, लेकिन अभी तक करनाल मेट्रो नहीं आई है, लोगों का कहना है सर ये जो घोषणा की गई, जैसे हमारे संकल्प पत्र में ये बात कही गई है कि मेरठ का जो RRTS है उसी तर्ज पर बाकी योजनाएं RRTS की उसको भी शीघ्रता से लागू कराएंगे, ये बिल्कुल संकल्प पत्र में लिखा हुआ है, उसके अंदर ही RRTS की जो सरायकले खां से और पानीपत करनाल की जो लाइन है उसी के अंदर है, 3 लाइनें होनी थी, उसमें एक काम चल रहा है मेरठ वाली पर, दूसरी ये है, तीसरी राजस्थान की तरफ जाने वाली है, तो तीनों पर काम हो रहा है। करनाल में एयरपोर्ट की बात हुई थी सर, कहीं ना कहीं लोगों की एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, जमीन उसकी खरीद ली गई है, और बहुत 3000 फुट का जो रनवे है उसको 4000 फुट बनाया जा रहा है, उसके लिए जमीन खरीद ली गई है। इनके दादाजी भी वर्कर है बीजेपी के, बहुत पुराने पुराने वर्कर है, आप जी का कितने लकी हो।